जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम तैयारी कर रहे हैं अभी वनपाल और वनरक्षक के लिए। जो हमारे एग्जाम है बहुत ही नजदीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष होंगे। जो 6 नवंबर और 12 और 13 नवंबर को आप लोगों के लिए एग्जाम है वनपाल और वनरक्षक का। तो बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हम करंट अफेयर कितना कहाँ से पढ़े ताकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से सफिशियंट हो और उसके अंदर हम खरे उतर पाए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 6 से 8 महीने का करंट पढ़ लीजिए, यहीं से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन जब तक आपका आपका एग्जाम होता है, एग्जाम तक आपको करंट अफेयर पढ़ना है, एग्जाम तक आपको करंट अफेयर देखना है। और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको आधे घंटे 1 घंटे की कहीं ऑनलाइन क्लास लें चाहे कुछ भी करें। आपको बस ये चीज करना है, आप ओनली फॉर मोमल या क्रोनोलॉजी की जो बुक आती है करंट अफेयर के लिए सफिशियंट है, बहुत है। आप उन्हीं बुक को उठाइए और उन बुक को 3-4 बार पढ़ डालिए। उसमें से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको छांटने हैं। जो ज्यादातर जो बुक्स में लिखा हुआ आता है वो इंपोर्टेंट फैक्ट होता है, उसको आप पढ़िए और उससे पढ़ के आप अपना करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। कम समय के अंदर ज्यादा करंट अफेयर और ज्यादा बार रिवीजन आप कर पाएंगे इससे, और आप एग्जाम तक अपना जो भी करंट अफेयर का पोर्शन है वो आप क्लियर कर लेंगे, आप अच्छे तरह से उसको तैयार कर लेंगे। तो आप मुंबल और क्रोनोलॉजी दोनों करंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक है। आप इसी बुक से आप अपना करंट तैयार कर सकते हैं। आप करंट वहां से पढ़ के आप अपने एग्जाम के अंदर करंट का जो भी पोर्शन है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप 6 से 8 महीने, मैं फिर से बता रहा हूँ, 6 से 8 महीने का करंट आप सफिशियंट है। ज्यादा से ज्यादा 8 महीने का पढ़ना है। 8 महीने से ज्यादा करंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपका इतना करंट अफेयर के अंदर आपका काम हो जाएगा। अब करंट अफेयर के लिए मैंने पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी की जो क्लास बताई उसमें भी मैंने बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ करंट अफेयर के अंदर आपको क्या पढ़ना है। जितने भी जो खेल हैं, जो उपाधियां हैं, जो पुरस्कार है, कौन कौन से पद के ऊपर नया नियुक्त हुआ, नहीं हुआ, योजनाएं और जो बजट हुए, इनके बारे में आप लोग पढ़ के चले जाना एक बार, आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और जो आर्थिक समीक्षा है वो भी पढ़ लेना, वन रिपोर्ट है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका वन रक्षक वनपाल से संबंधित एग्जाम है, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछना निश्चित बनता है। तो आप ये चीजें क्लियर कर लेंगे तो आपका जरूर करंट अफेयर का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इस चीज से आप निश्चिंत हो गए होंगे कि हमें करंट अफेयर कहाँ से और कितना पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।